हेलमेट इतनी भी कौन सी भारी होती है कि बंदे पहनते ही नहीं है। नाका लगाया मैंने कहा आगे लगाइए बिल्ली शिल्ली। यहाँ पे दूसरी बार नाका लगा हुआ है। तो गाइस आज मैं काफ़ी दिनों के बाद घर से बाहर निकला हूँ आप लोगों के लिए एक प्यारा सा व्लॉग बनाने। वैसे तो भाई पहले तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था घर से बाहर निकलने का, बट पिंकू भैया मेरे घर पे ही आ गए, वहाँ पे ज़बरदस्ती करने लगे कि चलो आज एक छोटी सी राइड मार के आते हैं। एक्चुअल में सीन क्या हुआ है कि मेरे GoPro के जो मोड्स है ना वो टूट रखे हैं, तो उसकी वजह से ना मैं पिछले कुछ दिनों से व्लॉग नहीं बना पा रहा था। अरे हाय क्या बात है भाई नाका लगवा भाई, तगड़ा नाका लगा हुआ है भाई। पहली बार मैं नाका देख रहा हूँ यहाँ पे। कोई नहीं रोकता यार, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो तो फिर आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाइसेंस नहीं होगी तो आपको तो भाई पुलिस रोकेगी यार, ये तो भाई उनकी जॉब है यार, उन्होंने तो ये सब करना ही है। अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तो भाई रूल को कौन फॉलो करेगा यार। ओ भाई देखो भाई नसीर भाई भी मिल गए। हाँ क्या हुआ, आगे जा नाका लगा हुआ है, ये आगे नाका लगा हुआ था, अभी नहीं है नाका है, लगा हुआ है नहीं, लगा हुआ था है ना, नाका उठ गया ना, ये वो जा रहा है ना मौत के कुएं में छलांग मारने। चलो वापस भाई, तगड़ा रिएक्शन मिल रहा है भाई। ये मुझे नहीं पता कि कौन सा स्कूल है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मार्केट में। आज तो यहाँ पे उतना ज़्यादा रश नहीं है जितना रश यहाँ पे एक्चुअल में होता है, क्योंकि अभी ना शाम का टाइम है। अभी हम शाम के टाइम घर से बाहर निकले हैं व्लॉग बनाने के लिए। पिंकू भैया तो वैसे, ओ भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बच्चों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है यार, इनका तो कोई पता ही नहीं चलता कब कहाँ से कोई छलांग मार दे। कंटेंट के लिए भाई घर से निकलते हैं बट कंटेंट ही नहीं मिलता यार, क्या करें, इसलिए ना हम डेली व्लॉग्स नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारे पास कंटेंट होता ना तो मैं तो भाई डेली व्लॉग करता यार, फिर तो डेली व्लॉग में क्या ही प्रॉब्लम थी मेरे को, बट कंटेंट ही नहीं मिलता यार तो व्लॉग कहाँ से बनाने हैं। यहाँ पे बच्चों का रिएक्शन, ओ भाई रिएक्शन रिएक्शन भाई रिएक्शन ले रहे हैं रिएक्शन। ओ भाई वैसे तो मैं मार्केट में बहुत ही कम व्लॉग शूट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके कारण ना तुम्हारा भाई यहाँ पे व्लॉग बनाता ही नहीं है, बहुत कम बनाता है। क्योंकि हम जो चीज़ कर रहे हैं ना भाई, लोगों को ये चीज़ ना गलत लगती है, जैसे कोई बंदा ड्रग्स वगैरह करता ना वैसे भाई लोगों को लगता है कि ये चीज़ भी वैसी ही वैसी है, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। मोटो व्लॉगिंग बहुत अच्छी चीज़ है, बट अगर तुम लोग इसको अच्छे तरीके से समझोगे तो, अगर तुम लोग इस चीज़ को नहीं समझोगे तो आपको तो गलत लगेगा ही लगेगा। अभी मेरे साथ एक भाई ज्वाइन हो चुके हैं। बस एक चीज़ का ना मेरे को बुरा लग रहा है, इसने हेलमेट नहीं पहना है। इसको मैंने बहुत बार बोला है कि भाई हेलमेट पहना कर, हेलमेट पहना कर, हेलमेट इतनी भी कौन सी भारी होती है कि बंदे पहनते ही नहीं है। ये बंदा जब भी मेरे साथ आता ना, इसको मैं एक ही बात बोलता हूँ, भाई हेलमेट पहना कर यार, खुदा का वास्ता तेरे को हेलमेट पहना कर, बाकी कुछ मत कर मगर हेलमेट जरूर पहना कर। भाई जान है तो जहाँ है, अगर आपके पास जान रहेगी तो सब कुछ है, बट अगर आपके पास जान नहीं रहेगी तो ये बाइकें वाइकें इतनी महंगी महंगी चीज़ें क्या करेंगी यार। इसलिए मैं भाई बोलता हूँ कि आप राइड जब भी करते हो आराम से किया करो, मेक श्योर कि आपके पास हेलमेट और राइडिंग जैकेट बाकी चीज़ें भी हो, उसके बाद ही आप राइड करो। अगर आपके पास जैकेट वगैरह नहीं है तो हेलमेट तो भाई आपके पास होना ही होना चाहिए। भाई नाका लगा आगे, नाका लगा है, नाका लगा है मैंने कहा आगे लगा, ये कह रहा था ना ना हाँ, इसलिए बोलता हूँ ना मैं हेलमेट पहना कर भाई। अब रुक जा रुक जा, मुझे आगे जाने दे फिर, ठीक है, इसलिए बोलता हूँ ना हेलमेट पहनो भाई, हेलमेट पहनो, अपनी सेफ्टी है। अब ज़रूरी नहीं है कि नाका लगा होगा वो आपको पकड़ेंगे चलान करेंगे उसके लिए आप हेलमेट पहनोगे, नहीं भाई अपनी सेफ्टी के लिए पहना करो। वैसे भी यार बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि तेरे से ना बच्चे बहुत उल्टी उल्टी चीज़ें सीख रहे हैं, मैं उनको कोई उल्टी चीज़ें नहीं सिखा रहा हूँ भाई। देखो अब मेरे से पहले भी यहाँ पर बाइक चलाता था कोई, ठीक है, अब पहला बंदा नहीं हो कि जो बाइक चला रहा है, बहुत सारे लोग बाइक यहाँ पर पहले चलाते थे और आगे भी चलाएंगे, बट फिर भी लोग ना बहुत सारी बातें कहते हैं मुझे कि तेरे से बच्चे ना उल्टी पुल्टी चीज़ें सीख रहे हैं, मैं उनको उल्टी चीज़ें नहीं सिखा रहा हूँ भाई। देखो अगर आप लोग ये सोचते हैं ना कि सिर्फ एक ही मोटो व्लॉगर है वो भी गूल में, तो भाई ये गलत बात है। देखो ना हमारे इंडिया में इतने सारे मोटो व्लॉगर्स हैं, अब आपके बच्चे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुझे ही देख रहे होंगे, मुझे फॉलो कर रहे हैं, फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को गलत चीज़ें सिखा रहा हूँ तो फिर आपकी गलती है भाई। मैं तो किसी को कभी कुछ बोलता नहीं कि तुम लोग ये वो करो, स्टंट वगैरह करो, वो तो फिर आपके बच्चों की गलती है। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे, अपना रिफिल करवाते हैं यहाँ से। ये देखो भाई अपने सब्सक्राइबर मिले, इसको लाइक कर।
लाइक करो, मेरे को लाइक करो या वीडियो को लाइक करो? वीडियो को। मुझे नहीं, नहीं मुझे अगर लाइक नहीं करेंगे मुझे तो बुरा लगेगा ना। हाँ यार, लगेगा ना बुरा, तो बोलो ना मुझे लाइक करो। हाँ है ना, आके व्लॉग को लाइक करो है ना, और लड़कियों लड़कियों को बोलो कि लाइक करो है ना। हाँ वैसे भी अपनी जिंदगी में कोई लड़की है नहीं है ना, अपनी लाइफ सेट हो जाएगी। बिल्ली शिल्ली नहीं मारनी, ठीक है? बिल्ली शिल्ली नहीं मारनी है, ये गलत चीज़ है, ठीक है? ये चीज़ें कभी नहीं करनी है, ठीक है? साइकिल चलाते हो आराम से चलाए करो, बिल्ली शिल्ली कुछ नहीं देगी तुम्हें, ठीक है? बिल्ली शिल्ली क्या देगी तुम्हें ज़रा मुझे बताना, बिल्ली मार के फ़ायदा है क्या? नहीं है ना फ़ायदा, तो फिर मार रही क्यों है? नहीं मारनी है, ठीक है? ये ऐसे ही टूटा है, बिल्ली नहीं मारनी है, ठीक है? साइकिल चलाते हो आराम से चलाया करो, ठीक है? ठीक है चलते हैं। हाँ क्रैश हो गया था, आराम से चलाया करो ना, इसलिए बोलता हूँ, ठीक है? तो भाई अभी आया था मैं पेट्रोल पंप पे अपना रिफिल करवाना, यहाँ पे अपने कुछ छोटे छोटे सब्सक्राइबर मिले थे, वो मेरे को कह रहे थे कि भैया आप विली विली मारो। मैंने कहा भाई मैं विली नहीं मारता हूँ, ना मुझे कभी विली मारने के लिए बोलना, और ना ही तुम कभी ट्राई करना। एक्चुअल में ये बंदे ना साइकिल वगैरह चलाते हैं, तो इन लोगों को भी भाई शौक पड़ जाता है विली शीली देखने का। यही चीज तो भाई मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आजकल के जितने भी मोटो ब्लॉगर्स हैं ना, सभी लोग ना इन चीजों के पीछे पड़े हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ ना राइड आराम से किया करो। अगर तुम लोग रैश वगैरह करोगे तो जो तुम्हें देखने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये लोग भी वही करेंगे भाई जो तुम लोग करोगे। यहाँ पे दूसरी बार नाका लगा हुआ है, नहीं भाई मेरे को नहीं रोक रहे हैं, मुझे लगा कि शायद मुझे बुला रहे हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, होप कि आप लोगों को आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आज के वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अच्छे से कर देना। तो मिलते हैं फिर कल एक और प्यारे से मस्त से दोस्त से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।